जो आदिवासी अपना कब्जा साबित नहीं कर पा रहा है वो नागरिकता कैसे साबित करेगा? और जब आप नागरिकता साबित नहीं कर पाओगे तो 5 महीने के बच्चे से लेकर के 85 साल के बूढ़े को डिटेंशन कैंप में भेजेंगे। और पुलिस डिटेंशन कैंप में क्या करती है, बहनों का जिस्म कैसे नोचती है, सबको पता है कि औकात नहीं है कि एक भी मुस्लिम को ये विदेश भेज दे। ये मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में इसलिए भेज रहे हैं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब को डिटेंशन कैंप में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि ये लोग यह साबित करना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में डर पैदा हो जाए। सरकार को लगता है कि तुम्हारे जैसे शोषित, वंचित, बेजुबान, दरिद्र, निर्धन समाज को भीख की जरूरत है, तो हम तुमको भीख दे देंगे, हम तुमको दान दे देंगे, हम तुमको अनुदान दे देंगे। यानी मौलिक अधिकार तो दूर की बात है, इस देश की न्यायपालिका आरक्षण को अधिकार भी नहीं मान रही है, वो भीख मांग रही है। तो इसी के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठ रही है, और इसलिए आवाज उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम बट द पीपल्स ऑफ इंडिया हु हैज इनएक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कोई अधिकार नहीं है कि मनुस्मृति से प्रभावित होकर के फैसला दे। आप संविधान की शपथ खा करके न्याय का काम कर रहे हो तो न्याय करिए, न्याय के नकाब ओढ़ करके अगर आप नाइंसाफी करेंगे तो हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मोदी भी आपने कहा जिसे भीख दे रही है जी, तो वो भीख दे रही है तो फिर वो 10% आरक्षण क्या है जो सवर्णों को दिया गया? देखिए सवर्ण तो हमेशा से भीख ही लिया ना भाई, वो भगवान का नाम लेके भिक्षा मांगे, हिंदी में उसको भीख कहते हैं, वो तो हमेशा से ही भीख मांगे रहे हैं। वो परजीवी प्राणी दूसरे के मेहनत पे पलने वाले लोग हैं। इस देश का शोषित वंचित समाज, गरीबी कर में जी रहा समाज, खेती किया, किसानी किया, बंजर भूमि को अपने खून पसीने से सींच कर से भारत की महान इमारत को खड़ा किया, लेकिन उसकी विरासत किसके नाम हो गई, जमीन का रजिस्ट्रेशन किसके नाम हो गया, समझिए सवर्णों के नाम। तो वो तो हमेशा से ही भीख पे पलते रहे हैं, लेकिन जो अपना कमर तोड़ करके मजदूरी करके इस देश की इमारत को सींचा है, आज सरकार उसको सिर्फ इतनी आर्थिक स्थिति बनाए रखना चाहती है कि आज वो खा करके कल मजदूरी पर आ सके, कल काम पर आ सके। यानी जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए आपको जिंदा रख रही है बस। तो आरक्षण भीख नहीं, हमारा अधिकार है, और अपने अधिकार को बचाने के लिए हम लोग सड़क पर आएंगे। हमारी मांग है कि जिस तरह से SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी जजों ने खत्म किया था और संसद में उसको दोबारा लागू किया गया, इसी तरह से आरक्षण को दोबारा संसद में पारित किया जाए, और इस देश के 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया है, 90% शोषित वंचित समाज रहती है, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो 90% आवाम को 90% आरक्षण दिया जाए और उसको इस देश की जो भारतीय संविधान है उसके 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, तो तभी हमें इंसाफ की उम्मीद है। यानी कि जब तक धन और धरती का बंटवारा नहीं होगा तब तक हम इस देश में इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। ये सफ़ेद झूठ है कि न्यायपालिका में हमको न्याय की उम्मीद है। सच बताऊं तो जब तक न्यायपालिका में हमारे जज नहीं रहेंगे हमको न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, हमको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। बाबरी फैसले पर हमने देखा जिस तरह से बौद्धों के पक्ष को नज़रअंदाज किया गया, मुस्लिम समाज के पक्ष को नज़रअंदाज किया गया, हमको हमारे इंसाफ की उम्मीद न्यायपालिका से टूट चुकी है। इसलिए कोलिजियम सिस्टम जो संविधान का कत्ल करके इन लोगों ने लाया है उसको ख़त्म करके न्यायिक आयोग बनाया जाए जो भारतीय संविधान कहता है, उसकी मांग हम सबके लिए। एक बयान आता है कल जस्टिस चंद्रचूड़ का कि असहमति जताना राष्ट्र विरोधी नहीं है, लेकिन स्पीच में आता है ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं निकल के आ रहा सामने ये सब चीज़ें? ये लोग दरअसल झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, यही 4 लोग बाहर निकल आके कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, और SC ST यही लोग ख़त्म करते हैं। यही लोग कहते हैं कि क्या नाम है, शाहीन बाग पाकिस्तान में नहीं बसता है, और चंद्रशेखर आज़ाद को डपटते हैं कि तुम लोग शाहीन बाग मत जाना, दिल्ली छोड़ के चले जाना, कौन फैसला सुनाया था? तो दरअसल ये कौन आरक्षण को मौलिक अधिकार कौन नहीं बताया हमको? दरअसल नरेंद्र मोदी जिस तरह से बयानों से खुश कर रहा है ना, उसी तरह से न्यायपालिका हमको बयानों से खुश कर रही है। तो हमको हमारा आरक्षण चाहिए, हमको हमारी भागीदारी चाहिए। जस्टिस बाला कृष्णन के बाद 10 साल बाद कोई एकमात्र शेड्यूल कास्ट का जज बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी लोग कैसे आ गए? तो जज बनाएंगे, जज बनाया जाएगा, शर्मा बनाएंगे, उपाध्याय को उपाध्याय बनाएंगे, त्रिवेदी को त्रिवेदी बनाएंगे, चतुर्वेदी को चतुर्वेदी बनाएंगे, पांडे को पांडे बनाएंगे, दीपो को, तो ये पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं हमको। तो दरअसल हमको हमारी ज़रूरत है कि हमको आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। कोलिजियम सिस्टम कलंक है, धोखा है, उसको ख़त्म किया जाए और हमको न्यायपालिका में भागीदारी मिले, तभी हमको इंसाफ की उम्मीद है। क्योंकि जब तक हमारे लोग सत्ता पक्ष में नहीं रहेंगे, सरकार के अंग नहीं रहेंगे, तब तक हमको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और न्यायपालिका मतलब कोई का है, कोई आसमान से टपकी हुई चीज़ थोड़ी है, संविधान ने न्यायपालिका को बनाया ना, संविधान कौन बनाया? विद द पीपल ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट हमसे बड़ा है क्या?
क्या, हमने सुप्रीम कोर्ट को बनाया ना, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के मुताबिक फैसला देना भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मांगना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो हमको हमारा आर्टिकल 19 देता है, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेज हैं तो उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आप कहते हैं शर्मा वर्मा, उन लोगों का तो यही मानना होता है कि इन्हीं लोगों के पास दिमाग है, वही इस तरह की पोस्ट को हैंडल कर सकते हैं। बाकी तो SC ST तो ग्राउंड लेवल पे मतलब कहाँ काम करे वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब आप समझ लीजिए संविधान लिखने वाला किस समाज से आते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक अछूत थे हिंदू धर्म के अनुसार, उन जो भारत के मूल निवासी थे उन्होंने संविधान लिखा, और उसी मूल निवासी द्वारा लिखे गए संविधान की शपथ खा करके जज सोचते हैं कि उनके पास दिमाग है, यानी जो संविधान लिखा है उनके पास दिमाग नहीं है, जिस कौम के लोगों ने संविधान लिखा है उसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग हमारे पास है। यही फैसला जब जस्टिस कर्णन ने दिया तो जस्टिस कर्णन को जेल में डाल दिया गया, और SK गांगुली जी का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वी हैव नो राइट टू इंटरफियर इन हाई कोर्ट्स मैटर, वी हैव नो ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारे जज जब बोलते हैं, हमारे लोग जब बोलते हैं, हमको एक तरह से उग्रवादी, नक्सली, बेवकूफ, मूर्ख, कम पढ़ा लिखा तरह से बात कर दिया जाता है। सूरज कुमार बहुत LLM किया है लेकिन फिर भी वो ज्ञानी नहीं है, क्यों? सुप्रीम कोर्ट को, जज को ऐसा लगता है कि जनेऊ उनके ज्ञान का पहला प्रतीक है, इसलिए हमको अवसर नहीं देना चाहते हैं। तो हमारी मुख्य लड़ाई अवसर की है, मैदान में आने तो दो, फिर पता चलेगा छलांग किसकी ऊंची होती है, छलांग किसकी लंबी होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज हमको इसी से दूर करना चाहते हैं। इसीलिए चूंकि हमारी भागीदारी, जमहूरियत तभी इस देश में मुकम्मल हो पाएगी जब हमारी भागीदारी होगी, चूंकि हमारी भागी नहीं है, हमको भागीदारी से महरूम किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं आज। नागरिकता कानून पे जिस तरीके से अमित शाह का बयान आता है कि हमसे बात करें, और ये भी एक तरीके से दलित आदिवासियों पर एक तरीके से हमला था, और उसको लेकर के क्या लगता है आपको कि गृह मंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ता है कि हमसे बात करें आगे? साइन बाग की जो तीन दादी बहुत फेमस हुई हैं, तीन दादियों ने कल चैलेंज किया था कि हम 2 बजे अमित शाह से बात करने जाएंगे, अमित शाह नहीं मिलते हैं। अमित शाह ने कहा था कि वी आर रेडी टू टॉक ऑन CNRC, बहन जी ने कहा कि हम बसपा तो आपके चैलेंज को कबूल करती है, अमित शाह ने डिबेट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस देश में दरअसल CNRC पर बहस कहाँ हो रही है, इस देश में बहस हो रही है कि पाकिस्तान से SC ST को लाया जा रहा है, यानी कि वो दलित कह रहे हैं, हालांकि हम लोग दलित शब्द के विरोधी हैं, पाकिस्तान से दलितों को लाया जा रहा है, फिर भी यहाँ के दलित विरोध कर रहे हैं, इसे भारत के दलितों को दामाद बना के बैठाए हैं। तो हमको समझिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा उनको आप डॉक्यूमेंट दोगे, और भारत के जिन नागरिकों के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा उनको डिटेंशन कैंप में भेजोगे, यही उनका NRC है, यही उनका क्रोनोलॉजी है। तो दरअसल हमको समझना पड़ेगा कि क्रोनोलॉजी और करंटोलॉजी से जिस तरह से भारत के आम आवाम में नफरत फैला कर रहे हैं, जाति बुनियाद पर नफरत पैदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। भारत का संविधान मजहब की बुनियाद पर भेदभाव पर मना करता है, ये लोग बार बार कह रहे हैं, असम में जो NRC लागू हुआ उस 19 लाख में से 14.5 लाख हिंदू पाए गए, 14.5 लाख हिंदू पाए गए, वो हिंदू नहीं है मेरे भाई, वो दरअसल SC ST OBC समाज के अमूमन लोग हैं। तो दरअसल भारत में जब NRC लागू होगा, एक चीज सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 23 लाख आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का फरमान सुनाया था, और क्या कहा था उसको यहाँ से जोड़िएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन का जो पूरा है, यानी जमीन आपके नाम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए आदिवासियों का जो जंगल में रह रहे हैं उस जमीन पर उनका हक नहीं है। जो आदिवासी जो हजारों साल से भारत में रह रहा है, आदिवासी अगर अपना कब्जा साबित नहीं कर पाया तो नागरिकता कैसे साबित करेगा? जो आदिवासी अपना कब्जा साबित नहीं कर पा रहा है वो नागरिकता कैसे साबित करेगा? और जब आप नागरिकता साबित नहीं कर पाओगे तो 5 महीने के बच्चे से लेकर के 85 साल के बूढ़े को डिटेंशन कैंप में भेजेंगे, और पुलिस डिटेंशन कैंप में क्या करती है, बहनों का जिस्म कैसे नोचती है सबको पता है। हिटलर ने डिटेंशन कैंप लागू किया था, सबको पता था ना। तो यही क्रोनोलॉजी है और इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होने की जरूरत है। अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंतर्गत अब जिस तरीके से जो हमला हो रहा है, डॉक्टर कपिल खान हो या और कोई हो जो भी प्रदर्शन कर रहा है, तो ये कैसे आप लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे जब ये चीज राष्ट्र का लगा दी जा रही है? और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में संविधान दरअसल लागू ही नहीं है, वो लोग मनुस्मृति को लागू किए हुए हैं, और जो लोग शोषित वंचित की बात कर रहे हैं और जो लोग संविधान हाथ में लेके जय भीम का नारा लगा रहे हैं वो इस देश के लिए खतरा बन गए हैं। दरअसल देश क्या है, दरअसल भारत का जो जाति है ना,
जाति अपने आप में एक राष्ट्र होता है, जैसे ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण को लगता है कि उनका जो श्रेष्ठता है, जाति दम्भ है, वो राष्ट्र है। तो शासक जातियाँ अपने आप को एक राष्ट्र की तरह दिखती हैं। तो जब वो प्रेजेंट करती हैं कि इस व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उस पर थोप दिया जाए, उस पर स्लैप कर दिया जाए, दरअसल राष्ट्र को खतरा नहीं होता, उनके जाति साम्राज्य को खतरा होता है। इसीलिए वो लोग नस्ते लगा करके हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि कितने लोगों को जेल में ठूसोगे जब इस देश का आम आवाम सड़क पर उतर ही पड़ेगा। और मेरी अपनी मांग है कि बहुजन समाज के लोगों को अब संयुक्त राष्ट्र जो इंटरनेशनल फोरम है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम है, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। क्योंकि भारत में जो इंटरनेशनल फोरम के लोग बैठे हुए हैं, वो जातिवादी तबके के लोग बैठे हुए हैं, तो भारत के लोगों को अब ऊपर आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर भारत में एक्सट्रीम ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, और दुनिया यहाँ पर नज़र करे और भारत में देखे कि किस तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर लोगों का खून चूसा जा रहा है। उसी के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया, चूँकि बाबा साहब को पता था ये जाति तबके लोग संविधान को नहीं मानते, इस देश में नफरत पैदा करेंगे, और इसी नफरत को तोड़ने के लिए हम लोग इंसानियत की बात करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की द्वंद्व को तोड़ करके हम लोग संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई में अपने आप को संविधान के पक्ष में खड़ा किए हुए हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है कि वो हमेशा यही कहते हैं कि ताल ठोक के कि हमने 370 हटाया, हमने 3 तलाक का मुद्दा किया और हमने जो है NRC किया, किसी में दम नहीं था, तो इसका वो पॉजिटिवली इसको देखते हैं, ऐसे क्यों? देखिए, उनको ताल ठोक के कहना चाहिए कि हमने गरीबी दूर किया, ताल ठोक के कहना चाहिए था हमने शिक्षण संस्थानों को सुरक्षित किया, ताल ठोक के कहना चाहिए था हमने कि बेरोजगारी दूर किया, ताल ठोक के कहना चाहिए था कि हमने इस देश में जाति को ख़त्म किया। लेकिन नहीं, वो ताल दरअसल ठोक करके इस देश का जो मुस्लिम समाज है, इस्लामोफोबिया के तहत मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा करते हैं, उनमें डर पैदा करना चाहते हैं। दरअसल इनकी औकात नहीं है कि एक भी मुस्लिम को ये विदेश भेज दें। ये मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में इसलिए भेज रहे हैं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब को डिटेंशन कैंप में इसलिए भेज रहे हैं, क्योंकि ये लोग यह साबित करना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में डर पैदा हो जाए। जब तुम्हारे दिल में डर पैदा हो जाएगा, तुम लड़ना छोड़ दोगे, तुम बोलना छोड़ दोगे, इसलिए जो तुम्हारी आवाज़ उठाएगा उस पर NSA लगाएंगे। कल आप पर भी NSA लग सकता है, चूँकि आप हक अधिकार के पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। कल मुझ पर भी NSA लग सकता है, चूँकि हम बाबा साहब के संविधान के बचाने की बात कर रहे हैं। NSA तभी कानून सुरक्षित हो पाएगा, कानून की मुकम्मलता तभी बन पाएगी जब वो संविधान के जो प्रावधान है उसके मुताबिक रहे। लेकिन ये लोग संविधान को ही ख़त्म करने के लिए NSA लाए हुए हैं। बहुत बहुत